भारतीय परंपरा के तहत वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया। जो उन्होंने इंडिया का एक औहदा जो है, हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा था। बिल्कुल एक यही वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, एक जी वो अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर, जो मोदी जी से पहले जो रूलर जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आज पापुआ न्यू गिनी गए। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू, क्या करना क्या चाह रहा है इंडिया? पापुआ न्यू गिनी के साथ है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स में चीनियों ने पैसा लगाया। अब वो ग्वादर छाबार वाली बात होगी, अगर वहाँ ग्वादर में तो हमें छाबार डेवलप करना पड़ेगा, तो हम पापा नुगिनी के साथ अपना अलायंस अलायंस जो भी है वो करेंगे। जितने भी इंडिया से हम जर्नलिस्ट देखते हैं या एक्टिविस्ट देखते हैं, इवन आम जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है इंडिया की, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस इन दिनों हम देख रहे हैं पब्लिक में। आज अगर किसी से बात करें चाइना के साथ कैसे रिलेशन, वो कहता है चाइना कौन, हमें चाइना से फर्क नहीं पड़ता। भारत शायद G7 को G8 बना दे, उसको किसी स्टेज पे ये कहा जाए कि आप भी इस ग्रुप के मेंबर बन जाएं। पापा न्यू गिनी ने चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया। अगर चाइना का वो कह रहे हैं ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है तो हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड्स। जय हिंद। जापान में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, यहां उनका भव्य स्वागत हुआ। दरअसल पापुआ न्यू गिनी के एयरपोर्ट पर मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने पैर छूकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया। भारत की ओर से नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो के पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह स्वागत इसलिए भी खास है कि उस देश में नियम है कि वहां पर सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो पहले शख्स हैं जिनके लिए इस देश ने अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ा है। प्रशांत महासागर में स्थित यह देश रात्रि पहर में विदेशी मेहमानों का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं करता, लेकिन भारत की अहमियत और वैश्विक मंच पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की बढ़ती साख को देखते हुए वहां की सरकार ने यह फैसला लिया। या ना, मैंने आपकी गुफ्तगू से, आपकी बातों से, और ना सिर्फ आपकी बातों से, जितने भी इंडिया से हम जर्नलिस्ट देखते हैं या एक्टिविस्ट देखते हैं, इवन आम जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है इंडिया की, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस इन दिनों हम देख रहे हैं पब्लिक में। आज अगर किसी से बात करें चाइना के साथ कैसे रिलेशन, वो कहता है चाइना कौन, हमें चाइना से फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला चाइना का क्या, सऊदीया का क्या, मतलब ये कॉन्फिडेंस यूथ में कैसे आया? ये विजन का कोई फर्क है? पीएम मोदी की भी जो विजन है उसको लेकर आप लोग चल रहे हैं, या फिर एजुकेशन का फर्क है, या फिर आप कह लेंगे अपनी खामियों को छुपाने के लिए इतना कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? मतलब वो एक माइंड में बात आ रही है तो आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, कॉन्फिडेंट हम लोग इसलिए हैं बिकॉज यस, जब से मोदी जी पावर में आए हैं, स्टार्टिंग में हमें भी लगता था ये क्या प्राइम मिनिस्टर है भाई, ये खाली दुनिया घूमने में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो उन्होंने इंडिया का एक औहदा जो है, हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा था। बिल्कुल यही एक वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, एक वो जी अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर, जो मोदी जी से पहले जो रूलर जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, हुकूमत होती थी, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा था कि इंडियंस को हमेशा दिखाओ कि दे आर इंफीरियर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक से वो भी बहुत सारा चंदा लेते थे कि भाई इंडियन भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं, तो हमें उनके पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े फंड्स उठाया करते थे, जिसमें से शायद 1-2% वो इंडिया के डेवलपमेंट में डालते थे, बाकी अपनी तिजोरी में डालते थे। वरना आपको क्या लगता है, ये जो पूरा ऊपर से नीचे, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चलकर जो इतनी बड़ी रैली करते हैं, ये सब फंडिंग कहाँ से आती है उनको? आप खुद सोचिए ना। तो एनीवे, पता नहीं कितने हजारों स्कैम्स हुए थे 60 सालों में, हर एक चीज में स्कैम। जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था 2G लाने के लिए इंडिया में, उसमें भी स्कैम। जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था कोल को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसमें भी स्कैम। हर एक चीज में कोल स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, हर एक स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम।
मतलब इतने स्कैम होते थे, तो आप सोचिए कि वो एक जमाना था, और आज एक जमाना है जब मोदी जी ने अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी गवर्नमेंट को इसी चीज में डाल दिया कि पूरी दुनिया में इंडिया शुड लुक लाइक द फास्टेस्ट, नॉट ओनली लुक लाइक बट हैज प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज। और लोगों की आप देखिए, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग तो इंडियंस ही है, ये तो आपको मानना चाहिए। नो दुनिया की जो भी आप कंट्री ले लो, जो सीईओज हैं जिन जिन कंट्रीज में, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में सबसे ज्यादा सीईओज इंडिया में हैं, इंडिया के हैं। इवन अब तो सीईओज के भी पार हो गए, अब हम जो है फॉरेन कंट्रीज को रूल भी करने लगे हैं। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे। सीईओ तो हम पहले बना करते थे, अब तो हमने उसको भी रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, अब हम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं दूसरी कंट्रीज के। तो आप सोचिए, अगर हमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वी आर अ सुपीरियर रेस एंड वी हैव ऑलवेज प्रूव दैट थ्रू आउट हिस्ट्री। आप पूरे हिस्ट्री में ले लीजिए, हम कभी मुंह उठाकर किसी और की कंट्री में नहीं गए रूल करने के लिए, अटैक करने के लिए, लूटने के लिए। लेकिन हमारी कंट्री में हमेशा, चाहे वो अंग्रेज हैं, पोर्चुगीज हैं, चाहे वो अरबी हैं, सब हमारी कंट्री में घुसने की कोशिश उन्होंने की है। हमारा अलायंस हम अपने हिसाब से बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आज पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी गए तो मुझसे एक टीवी पे डिबेट था, तो कोई पूछ रहा कि पापुआ न्यू गिनी में ऐसा क्या कि प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ा। मैंने कहा देखो भैया, ये जो आपके 14, देखिए पापुआ न्यू गिनी के साथ है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स में चीनियों ने पैसा लगाया। अब वो ग्वादर छाबार वाली बात हो गई, अगर वहां ग्वादर में तो हमें छाबार डेवलप करना पड़ेगा, तो हम पापुआ न्यू गिनी के साथ तो अपना अलायंस अलायंस जो भी है वो करेंगे। आपने एक और बात देखी होगी, पापुआ न्यू गिनी ने चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया। अगर चाइना का वो कहते हैं ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड्स है। और अगर आप पापुआ न्यू गिनी को स्टडी करें, तीन स्टेट्स निकलती है वहां से, एक तो भी मलाका स्टेट है, आप चांगी पे और सावांग पे हो, दो स्टेट्स और निकलती है सांद्रा और लम्बोक, जो लोग काफी नहीं जानते। दे आर नॉट गुड फॉर कार्गो टू पास थ्रू, बट मिलिट्री शिप्स कैन पास थ्रू। तो इफ यू गेट एक्सेस टू पापुआ न्यू गिनी पोर्ट, यू कैन ब्लॉक ऑल द थ्री स्टेट्स फॉर चाइना। सो ना कार्गो हिलेगा ना मिलिट्री हिलेगी। और उसी दौरान वहाँ 14 ये जो आइलैंड नेशंस हैं, इनका एक सम्मेलन हो रहा है, दे आर डूइंग मतलब एक मीटिंग हो रही है, उसको प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे। तो चीमा साहब, अब कहने को तो पापुआ न्यू गिनी जैसे देश में कुछ भी नहीं है, पर ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी जो आज हो रहा है, व्हेन वी आर टॉकिंग, राइट? व्हाट इज द एजेंडा, व्हाट इज द बिगर गेम प्लान, व्हाट इज द बिगर थिंग्स व्हाट वी आर प्लानिंग। तो अब कोई चाहता कि आप हमारे मिलिट्री अलायंस करो, पर हम किसी पे डिपेंड होके कुछ नहीं कर रहे। हमें जो चीजें करनी है अपनी लेवल पे कर रहे हैं। और इस ये तो कभी नहीं कहा गया, या किसी मेंबर ने ये नहीं कहा कि फ्यूचर में क्वाड का मिलिट्री चैप्टर नहीं होगा।